चुनाव से पहले कांग्रेस को लेकर आई गुड न्यूज, जश्न में डूबे कांग्रेस के कार्यकर्ता। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव पूरी तरह से हाईटेक होने वाला है। इसकी शुरुआत 6 महीने पहले ही हो गई है। चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। अब ये सियासी भिड़ंत सोशल मीडिया के ट्विटर अकाउंट पर भी आ गई है। दोनों ही पार्टी के नेता ट्विटर पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बता दें कि बीते सप्ताह भर से मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और खजुराहो से सांसद विष्णुदत्त शर्मा जबरदस्त सुर्खियों में बने हुए हैं। शर्मा की सियासी लड़ाई सीधे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से हो रही है। कभी कमलनाथ विष्णुदत्त शर्मा को आड़े हाथों ले रहे हैं तो कभी शर्मा उन पर आरोप लगाकर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। दोनों की इस सियासी जंग में साल 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों की एंट्री भी हो गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट करते हुए बुंदेलखंड में मंत्रियों की खींचतान को लेकर लिखा कि बीजेपी की कलह खुलकर सामने आई। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी के 2 मंत्री निकम्मे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की जगह शिवराज के सामने गिड़गिड़ाए। मंत्री भूपेंद्र सिंह के विरोध में इस्तीफे की तैयारी चल रही है। शिवराज ने एक भ्रष्ट, बेईमान, नकारा, निकम्मे और नफरती चिंटू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का नतीजा देखा है। कांग्रेस नेता पीयूष बबेले ने ट्वीट कर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा को लिखा कि शर्मा के बयान शर्मनाक हैं। चीन के राष्ट्रपति को झूला पीएम मोदी झुलाते हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का नियोता शिवराज खाते हैं। चीन का बार बार चक्कर गुजरात के सीएम मोदी लगाते हैं। चीन की चमचागिरी करने वाले को हनुमान भक्त कमलनाथ पर सवाल उठाने से पहले आईने में अपना चेहरा देखना चाहिए। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।